ब्रिजभूषण बनाम पहलवान विवाद। WFI चोणा 6 जुलाई में, नामजदगियां 23 तो 25 जून तक। दिल्ली पुलिस भलके करेगी चार्जशीट पेश। रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI दी चोणा 6 जुलाई में होनगियां। पहला चोणा 4 जुलाई में होनिया सन पर हुण इन्हां नूं 2 दिन लई टाल दिता गया। इस दे लई नियुक्त रिटर्निंग अफसर साबका चीफ जस्टिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिता। प्रधान सीनियर मीत प्रधान 4 जनरल सकत्तर खजानची संयुक्त सकत्तर 2 अते कार्यकारी मैंबर 5 दे 15 अहुदियां लई चोण होवेगी। इह चोणां साबका प्रधान ब्रिजभूषण सरन सिंह ते पहलवानां वल्लों लगाए गए जिनसी शोषण के दोषां तों बाद होण जा रहियां हन। नोटिफिकेशन अनुसार अधिकारित मैंबरां दे नां 19 जून तक वोटर सूची विच शामिल करन दी मंग कीती गई है। वोटर सूची 22 जून नूं जारी कर दित्ती जावेगी जबकि 23 तो 25 जून तक नामजदगियां दाखिल कीतियां जाणगियां। नामजदगियां दाखिल करन वाले दी सूची 27 जून नूं जारी कर दित्ती जाएगी। नामजदगियां सूची 28 जून नूं समीक्षा तो बाद जारी की जाएगी। 28 जून तो बाद 1 जुलाई नामजदगियां वापस लैण की आखिरी मिति होगी। इस तो बाद चोण लड़न वाले उम्मीदवार की अधिकारित सूची 2 जुलाई नूं जारी कर दित्ती जाएगी। फैडरेशन दीआं राज अते केंद्रित शासित प्रदेश इकाइयां दे 2 मैंबरां नूं आम मीटिंग विच हिस्सा लैण दा अधिकार होगा। हरेक मैंबर नूं 1 वोट पाउण दा अधिकार होगा। एसोसीएशन दीआं 25 राज्यां अते केंद्रित शासित प्रदेशों में इकाइया हैं अजिहे 50 मैंबरों को वोटर सूची में शामिल किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली पुलिस भारतीय कुश्ती फैडरेशन के साबका प्रधान ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी शोषण के दोषों के मामले में लैके कल यानी कि 15 जून में चार्जशीट पेश करेगी। इस तो पहला दिल्ली पुलिस वालों सबूत मंगे जाने पर 4 महिला पहलवानों ने ऑडियो और विजुअल सबूत मुहैया करवाए ने। मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक IUA की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेज का नाम प्रस्तावित किया गया है, उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए कि 2 कोचेज को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हो तो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचिज के खिलाफ मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम TV।